नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा हिस्ट्री। दोस्तों, आज हमारी दुनिया किस महामारी से गुजर रही है ये तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हर 100 साल बाद पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी आ जाती है। जैसे अभी 2020 में कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये फैलता ही जा रहा है, जिसके कारण कई मासूम लोगों की मौत भी हो रही है। हर 100 साल बाद इंसानों को एक नई महामारी का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, साइंटिस्टों को इस नई महामारी की दवाइयां भी खोजनी पड़ती है। और ऐसा इस साल से नहीं, बल्कि पिछले 400 सालों से चलता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 400 सालों में कौन कौन सी महामारी आई और कितने लोग इस बीमारी के चपेट में आकर मर गए। साल 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी और इस महामारी को ग्रेट प्लेग मार्शिले कहा जाता है। मार्शिले फ्रांस का एक शहर है जहां पर पहली बार ये बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में 50,000 लोग मारे गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके अगले 2 सालों में और 50,000 लोग मारे गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी साल 1720 से लेकर 1722 तक देखने को मिली थी। 100 साल बाद यानी कि साल 1820 में एशियाई देशों में कॉलेरा नाम की महामारी सामने आई थी। इस महामारी ने जावा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, इंडिया, बैंकॉक, मनीला, ओमान, मॉरिशियस, चाइना और सीरिया जैसे देशों को अपना शिकार बनाया था। कॉलेरा की वजह से सिर्फ जावा में ही 1,00,000 लोग मारे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। इसके 100 साल बाद साल 1920 में स्पैनिश फ्लू नाम की बीमारी ने जन्म लिया। वैसे तो ये बीमारी साल 1918 से ही फैली हुई थी, लेकिन इस महामारी का सबसे ज़्यादा असर साल 1920 में देखने को मिला था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में 1,70,00,000 से लेकर 5,00,00,000 लोग मर गए थे। और दोस्तों, इस बीमारी के जाते ही एक और भयानक महामारी कोरोना वायरस दुनिया के सामने आई। और ये महामारी चीन से शुरू होकर अब पूरी दुनिया में फैल गई है। ना जाने कितने लोग इस महामारी के चपेट में आ गए हैं और ना जाने कितने लोग इस महामारी से मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी ने शुरुआत में आते ही दुनिया भर के 95 से ज़्यादा देशों के 10,09,270 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। कोरोना वायरस की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि हर 100 साल बाद कोई नई बीमारी आती है और इंसानों को मौत की नींद सुला के जाती है। क्यों हर बार इन महामारियों की वजह से इंसानों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है? आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा और क्यों? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि हम हमारी सेफ्टी का ख्याल रखें और लोगों को भी ऐसा करने के लिए सुझाव दें। हमारा आपसे अनुरोध है कि बिना वजह बाहर ना निकलें और सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक इसका तोड़ नहीं मिलता, तब तक हमें अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ख्याल रखना होगा। तो ये थी कुछ बातें 400 सालों से इंसानों पर आने वाली महामारी के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों,
यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।